हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सेंटर से जहां से आप पैसा निकालते हो, एटीएम सेंटर उसको कहते हैं, एटीएम सेंटर में जाके आप अपना एटीएम पिन कैसे चेंज कर सकते हो। एटीएम को ही डेबिट कार्ड भी कहा जाता है। तो कोई आपको अगर डेबिट कार्ड या फिर बोले तो समझ लीजिए कि एटीएम के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो एटीएम या फिर डेबिट कार्ड का पिन कैसे चेंज कर सकते हो, एक बार जब आप पिन ले लेते हो बैंक से, ठीक है, तो उसको आप चेंज भी कर सकते हो जाकर बैंक में, और चेंज करना भी चाहिए, हर 6 महीना में जाके चेंज करना चाहिए सिक्योरिटी पर्पस से। तो कैसे चेंज करोगे एटीएम के पिन को एटीएम सेंटर में जाके, ये वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मेरे वीडियो को ध्यान से आप देखिए, मेरे पास शॉर्ट्स हैं, स्क्रीन शॉर्ट्स के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये होता है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो है एटीएम सेंटर में जाइए, वहां पर एटीएम मशीन होगा, एटीएम मशीन में जाके अपना कार्ड को इंटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ बैंकिंग ऑप्शन होगा, बैंकिंग ऑप्शन को क्लिक करना है। बहुत जगह जो होता है, बहुत जगह क्या होता है कि जो एटीएम मशीन होता है वो टच स्क्रीन होता है, ठीक है, और कहीं कहीं नहीं भी होता है, वहां पर साइड में बटन होता है, ठीक है ना। तो साइड में बटन को आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर टच स्क्रीन होगा तो डायरेक्ट आप उसको टच कर सकते हैं उंगली से, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अपना लैंग्वेज को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी लैंग्वेज आपका है, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर है 10 से 99 के बीच कोई भी नंबर एंटर कीजिए और यस को क्लिक कीजिए, ठीक है, यस को। अपना पिन नंबर जो आपके पास पिन है वो पिन एंटर कीजिए, एटीएम का पिन जो है एंटर कीजिए। यहाँ पर देखिए और बहुत सारा ऑप्शन आया है, बहुत सारे ऑप्शन में से ये ऑप्शन चूज कीजिए, पिन चेंज। ये ऑप्शन जो है पिन चेंज का है, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर पिन रखना चाहते हैं 4 डिजिट का होता है, ठीक है, जो भी पिन डिजिट रखना है आप यहाँ पर उसको जो है ना डालिए, एंटर कीजिए कीबोर्ड से। यहाँ पर कीबोर्ड बना रहता है, कीबोर्ड से एंटर करना है। उसके बाद जो है जो पिन आपने डाला हुआ है चार अक्षर का, ठीक है ना, उसको फिर दोबारा एंटर कीजिए यहाँ पर कीबोर्ड से, ठीक है। आपका जो है एंटर करते ही आपका ये पिन जो है थोड़ी देर के बाद प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग के बाद वहां मैसेज आ जाएगा कि आपका पिन सक्सेसफुली जो है ना चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये तरीका है आपको पिन को चेंज करने का, एटीएम का पिन चेंज करने का या फिर डेबिट कार्ड का पिन चेंज करने का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया मैंने आपको कि कैसे पिन इसका चेंज होता है एटीएम का या फिर डेबिट कार्ड का। बहुत जगह एटीएम मशीन जो होता है ना वो आपका क्या होता है कि टच स्क्रीन होता है, टच स्क्रीन, ठीक है। तो उसमें आप उंगली से क्लिक करके जो है ना काम कर सकते हो, लेकिन अगर टच स्क्रीन नहीं होगा तो साइड में बटन बना रहता है 1 2 3 4, ठीक है। तो बटन जिसके जो भी ऑप्शन है उसके सामने का बटन क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा सीख गया प्रोसेस कैसे एटीएम सेंटर में पिन हम चेंज करेंगे एटीएम का या फिर डेबिट कार्ड का। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना हो अपना पिन, ठीक है। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, सजेशन हो, एडवाइस हो, वीडियो के नीचे कमेंट में डाल सकते हो। और आपके बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स मुझे डेली बेसिस में मिल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आप मेरे वीडियो को इतना चाहते हो, इतना पसंद करते हो, ठीक है, और इसको इतना प्यार दे रहे हो, बातें इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे आगे नए नए अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बनाने के लिए। तो अपना जो है ये प्यार देते रहिए, शक्ति मिलेगा तो अच्छा काम करूँगा और अच्छा अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके वीडियो के अगल बगल में देखिए कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा तो क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नए नए वीडियोज बनाऊंगा तो आपके ईमेल आईडी पर तुरंत उसका अलर्ट आ जाएगा, आपको वॉच करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कीजिए और इसी तरह मेरा वीडियो वॉच करते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।